प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी मैम और मेरी कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये है आपकी बुक पुस्तक प्रतिभा हिंदी पाठमाला। क्या है? प्रतिभा हिंदी पाठमाला कक्षा पहली से। और आज हम क्या पढ़ेंगे? हमारा पाठ पाँच, बिना मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ेंगे? बिना मात्रा वाले शब्द। हमने अपने पहले वीडियो में क्या देखा है? पहले वीडियो में हमने दो अक्षर वाले शब्द देखे, पहले देखे है ना, दो अक्षर वाले शब्द। दो अक्षर वाले शब्द हमने क्या सीखा है कि कैसे दो अक्षर को मिला करके हम एक शब्द बनाते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या सीखा? तीन अक्षर वाले शब्द। क्या सीखे हमने? तीन अक्षर वाले शब्द। तीन अक्षर वाले में क्या है? क, ल, म। और तीनों को मिलाए तो क्या बन गया? कलम बना ना। तीन अक्षर वाले शब्द पहले में हमने दो अक्षर वाले और तीन अक्षर वाले शब्द देखे, ठीक है। आज के में हम पढ़ेंगे चार अक्षरों वाले शब्द। कितने अक्षर वाले? चार अक्षर वाले। यहां से लिखेंगे हम चार अक्षर वाले शब्द। अब हम इसे बनाना सीखेंगे, है ना। कैसे बना? देखिए आपके पुस्तक में देखिए चित्र बना हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना। क्या है ये? किसका चित्र है? अजगर का। किसका है? अजगर का। और अजगर को लिखने में हमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखिए कैसे लिखेंगे। अ धन, ज धन, ग धन, र। और देखिए सबको अगर हम मिला देते हैं ये, है ना, तो ये क्या बन गया हमारा? अजगर। क्या बना? अजगर। बस ऐसे ही हमें सारे शब्दों को जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं। देखिए यहाँ पर दूसरे चित्र में देखिए क्या दिया है? अदरक। क्या दिया है? अदरक। फिर यहाँ देखिए, यहाँ उपवन। उपवन मीन्स क्या होता है? बगीचा, है ना। तो यहाँ पर चलिए इसको एक बार पढ़ के देखते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे चार अक्षर वाले शब्द। कैसे जोड़ के पढ़ते हैं? तो अ, च, र, ज। तो क्या हुआ? अचरज। अ, द, र, क। क्या बना बच्चों ये? अदरक। झट पट, पन घट, अच कन, नट खट, बरे गद, खटे मल, चम चम, कटे हल, है ना। अब हमने इसके क्या किया है? इसे अलग अलग करके पढ़ा है। पहले हमने क्या किया? इसे तोड़ करके पढ़ा है, तोड़ के पढ़ा ना। अब हम इसे एक साथ मिला करके ले के साथ कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अकबर, अनवर, असलम, बंठन, करचल। क्या लिखा है? अकबर, अनवर, असलम, बंठन, करचल। अक्रम, गड़बड़ मत कर। क्या कह रहा है? अक्रम, गड़बड़ मत कर। बर्तन रख कर चल। क्या कह रहे हैं बच्चों? बर्तन रख कर चल। अब अचकन पहन कर, उपवन चल। अब अचकन पहन कर, उपवन चल। अजब वह अजगर। क्या कह रहे हैं? अजब वह अजगर। अकबर कसरत कर, अचरज मत कर। बन गया बच्चों हमारे 400 अक्षर वाले शब्द। देखो कितना सरल है ना, इसमें एक भी मात्रा हमें नहीं लगानी पड़ी है, नहीं लगानी पड़ी ना। और इतने सारे हमारे शब्द बन गए। तो ऐसे ही आप लोग को नए शब्द बनाने हैं, बनाएंगे ना, और इसे अपनी कॉपी में भी आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा मौखिक प्रश्न है ना। तो मौखिक प्रश्न में क्या करना है हमको बच्चों? इसे पढ़ो और बताओ। क्या कह रहा है? पढ़ो और बताओ। तो कैसे पढ़ना है? फल फल, घर कर, कलम,
अजगर, नटखट और उपवन। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? नटखट, उपवन। हो गया? अब है हमारा, देखिए लिखित में दिया हुआ है, चित्रों को देखकर उनके सही नाम पर निशान लगाइए। तो ये कौन सा पिक्चर है, किसका चित्र है? ये बस का है कि घर का? आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ये बस है कि घर है? तो बस है। तो राइट का निशान किस में आएगा? बस में। और ये देखिए, ये कमल है कि कलम है? तो ये कमल है। तो किस में आएगा राइट का निशान? कमल में। अब देखिए अक्षरों को मिलाकर लिखो, कह रहा है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? सब। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पास? यहाँ लिखेंगे हम ऐसे, सब। फिर यहाँ दिया है मटर, कैसे लिखेंगे हम? मटर, ठीक है। फिर यहाँ दिया है अदरक, तो अदरक कैसे लिखेंगे? अदरक। हो गया? फिर वैसे ही यहाँ पर देखिए, शब्द पहले दिया हुआ है, इसको हम ऊपर से या दाएं से कैसे भी पढ़ सकते हैं। अब कैसे पढ़ेंगे? नरम। पहले अगर हम बाएं से दाएं ले जाते हैं तो कैसे पढ़ेंगे इसको? नरम। और ऊपर से नीचे लाते हैं तो गरम। क्या हुआ? गरम। और दाएं से बाएं लाएंगे तो मरण। क्या हुआ? मरण। हो गया? वैसे ही इसको भी पढ़ेंगे पढ़ अड़। क्या हुआ? ऊपर से नीचे पढ़ और दाएं से बाएं अड़। फिर यहाँ पर देखिए, ऊपर से नीचे झप और दाएं से बाएं नख। बस बच्चों, हमको ऐसे ही नए शब्द बनाने हैं। बनाएंगे ना नए शब्द? तो हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था? पहले में हमने पढ़ा आपके दो अक्षर वाले शब्द, फिर तीन अक्षर वाले शब्द, और हमने इस वाले वीडियो में क्या पढ़ा? हमने क्या सीखा? चार अक्षर वाले नए शब्द बनाना सीखे ना हम लोग, और इसे हमें पढ़ना भी सीखा है। आप लोग भी इसे घर में रह करके क्या करेंगे? इसे पढ़ेंगे, है ना। पढ़ने से क्या होगा? हमें और नए शब्द मिलेंगे, फिर हम अपनी कॉपी में और नए शब्द बनाएंगे। फिर उसके बाद हमने इसके मौखिक प्रश्न किए, और जो लिखित में खाली स्थान है और ये भरने का, इसे भी मैंने आप लोग को बताया ना, इसे आप लोग अपने पुस्तक में करेंगे। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका पार्ट 6, आ से अ तक की मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आ से अ की मात्रा वाले शब्द। तो मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए बच्चों, आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद बच्चों।